देखिए तो सुमन सर आ रहा आवाज आओ है आवाज आ रही है आवाज सुनाई पड़े तुम लोग को आ रहा है साउंड देख लीजिए एक बार अब साउंड आ रहा है चलिए अब क्या करते हैं आज आप लोगों को रिजेक्टेड कंडीशनल पढ़ाएंगे यानी ओपन कंडीशनल बता दिए हैं रिजेक्टेड कंडीशनल जो बोर्ड पर लिखेंगे उसको उतारिए फिर क्या करेंगे एक्सप्लेन कर देंगे ठीक है जैसे ही फंसे ना तो अपना कर लेंगे जैसे जैसे गोल गोल घूमना कर लेंगे Thank you.
चलो सभी अपने अपने स्क्रीन पर देखो, रिजेक्टेड कंडीशनल ओपन कंडीशनल सेंटेंस समझ गए हो? रिजेक्टेड कंडीशनल सेंटेंस किस तरह से समझेंगे देखो, इट इज अ कंडीशन व्हिच माइट हैव बीन फुलफिल्ड बट इज नॉट, बड़ा एक ऐसा कंडीशन जो पूरा हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। समझ में आ गया? किसी ना किसी रीजन से, किसी ना किसी कारण से कंडीशन जो है पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में, यानी रिजेक्टेड कंडीशनल सेंटेंस में क्या किया जाता है कि इफ के साथ वेयर हैड प्लस वी थ्री का यानी यूज किया जाता है, और प्रिंसिपल क्लॉज के साथ वुड शुड का और वुड हैव प्लस वी थ्री का। यानी देखो सबसे पहला वन इफ क्लॉज के साथ अगर वेयर हैड का यूज होगा, यानी वेयर का रखो हैड प्लस लिखती है, तो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या करेंगे वुड का यानी और शुड का यूज करेंगे। यस इफ आई वेयर नॉट बिजी आई वुड गो विद यू, यानी If I were you, I would help you. समझ में आ गया? इस तरह से क्या करेंगे लिखेंगे। If clause से क्या करेंगे? If clause के बाद है, जैसे If I had time, I would help you. If के साथ had लग गया, इसी तरह क्या है? If clause के साथ had plus with three. If I had gone to Agra, अरे, If we had gone to Agra, you would have seen the Taj Mahal. समझ में आ गया? अब देखिए, आपको क्या करना होगा? वर्ब के बारे में जानना है, टेंसेस इन द कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर वुड शुड का यूज हुआ हो तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में अगर वुड शुड का यूज किया गया हो तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, वेयर का और हैड का यूज करते हैं सेंटेंस के अनुसार। अगर प्रिंसिपल क्लॉज में वुड हैव प्लस वी थ्री का यूज किया गया हो तो यहाँ पर हम लोग हैड प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। यहाँ पर हैड प्लस वी थ्री हो तो वुड हैव प्लस वी थ्री का प्रिंसिपल क्लॉज में, यहाँ पर हैड हो तो वुड शुड, वेयर हो तो वुड शुड का यूज करते हैं। यह जानना क्या है जरूरी, इतना इतना हल्ला हो रहा है, बहुत आवाज आ रही है। इसको नोट डाउन कीजिए। लिख लिए, आगे बढ़े। अब चलिए
इस मैंने निशान के बार बार देखा है इसे तो उसी यार तो इस वक्त आप तो नहीं सकते उसका यहाँ सबसे ज़्यादा ये बात है वो बात पूरी चार दिन यार तो लोग बात करने से बात करने के बाद ये आपने ना चीन में एक बार Yeah.
चलो एक बार समझ लो, पहले समझ लो उसके बाद लिखना है। नहीं देखो, अब इमेजिनरी कंडीशनल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनरियल कंडीशन। क्या लिखे हैं? अनरियल कंडीशन और थ्योरेटिकल कंडीशन। मतलब इमेजिनरी कंडीशन को ही अनरियल कंडीशनल सेंटेंस और थ्योरेटिकल कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। सभी ध्यान सुनो, और आज इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस का यूज जो है कब किया जाता है? अनरियल कंडीशन का मतलब क्या है? जो हम लोग सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, उसकी पूर्ति होने की संभावना बहुत कम है, नहीं के बराबर है। जैसे मान लो कि अगर हम सोचते हैं, कहते हैं हिंदी में कि अगर मैं चिड़िया होता, इसका मतलब क्या है? अगर मैं चिड़िया होता तो आसमान में ऊंचा उड़ता, अगर मैं राजा होता तो सबकी मदद करता। लेकिन राजा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, एकदम आए तो एकदम कम है। नहीं
तो इस तरह के सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम लोग इमेजिनरी कंडीशनल और अनरियल कंडीशनल और थ्योरेटिकल कंडीशनल कहते हैं इमेजिन करते हैं कल्पना करते हैं समझ में आ गया तो इस तरह के कंडीशनल में क्या होता है कि वेयर का यूज किया जाता है हैड का और प्रिंसिपल क्लॉज में क्या करते हैं उनका शुड का यूज करते हैं जैसे अगर हम सेंटेंस लिखते हैं If I had money, I would buy a car. तो इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं क्या कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन लिखिए इसको अभी साक्षी फोन की थी क्या फोन की थी साक्षी क्या फोन की थी अभी चलिए अब एक और कंडीशनल बच गया है हो गया लेकिन थोड़ा सा और बच गया है 10 मिनट में हो जाएगा कल 10 मिनट पढ़ाएंगे उसके बाद क्या करेंगे बोर्ड पर पूछेंगे आप लोग कंडीशनल सेंटेंसेस जो है बढ़िया से याद कीजिएगा ओपन कंडीशनल यानी उसके बाद रिजेक्टेड कंडीशनल उसके बाद थ्योरेटिकल अनरियल और इमेजिनरी कंडीशनल ठीक है ना इसके बारे में आप लोग स्टडी कीजिए एग्जाम्पल्स ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आपके पास किताब है तो किताब से क्या कीजिए पढ़िए सेंटेंस को फाइंड आउट कीजिए और सोचिए कि यह कौन सा कंडीशन है वर्ब के अनुसार टेंस के अनुसार ठीक है और जो बच गया है वह कल पढ़ा दिया जाएगा एकदम इजी है हो गया सबका सबका हो गया सब लिख लिए हो गया ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही आप लोग स्टडी कीजिए ठीक है कल पूछेंगे और पढ़ाएंगे भी ठीक है